हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मधिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मधिया। तो आज मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जिसकी जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर मुझे कमेंट आता है कि हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल हो रही है, बिल्कुल भी रौनक नहीं है चेहरे पर। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एक ही ब्रांड के हैं, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से मंगाया है। और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो वाकई ही आपको ब्राइटन अप करेंगे। ब्राइटन अप की मतलब स्किन आपकी बहुत फ्रेश लगेगी, एकदम स्किन आपकी ब्राइटन अप लगेगी। ये कह सकती हूँ कि लोग पूछेंगे आपसे कि आपने फेस पर क्या लगाया है या क्या यूज़ कर रहे हो, आपकी स्किन केयर क्या है। ये मैं गारंटी ले सकती हूँ इन प्रोडक्ट्स की कि इतने बेहतरीन हैं। और हमेशा मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो वाकई ही बेस्ट होते हैं। तो ये जो हैं तीन प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे, लेकिन इनमें से मैं एक ही सजेस्ट करूँगी कि बस आप एक ले लो, तो वो सारे आपको जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगा। अगर आपकी टेक्सचर स्किन है या पिगमेंटेशन है आपके फेस पर हल्की फुल्की, ज़्यादा पिगमेंटेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हल्की फुल्की डार्क स्पॉट्स हैं अगर, तो उन पर भी वर्क करेगा। और सबसे ज़्यादा जो अगर मैं कहूँ ना ब्राइटन अप के लिए, मैं बता रही हूँ कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, आपको फ्रेशनेस नहीं है और आप चाह रहे हो कि आपकी स्किन बहुत अच्छी लगे, एकदम साफ़ सुथरा रंग लगे, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर लगे, तो ये प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिक एसिड लॉरियल का। इसमें सिर्फ 1% ग्लाइकोलिक एसिड है, इसीलिए मैंने कहा कि पिगमेंटेशन पर इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये आपके जो कलर है ना, कॉम्प्लेक्शन है, उसको बहुत अच्छे से एनहेंस करेगा। उसके अलावा तीसरा जो है ये है आई सीरम है, कैफिन प्लस हैलुरोनिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट्स मैंने एक साथ ऑर्डर किए थे तीनों, इसीलिए मैं अनबॉक्सिंग के साथ आपको तीनों चीज़ें दिखा रही हूँ। सबसे पहला जो मैंने ओपन किया था वो था टोनर, जो उसका एसेंस टोनर है, वो भी आपके फेस पे बहुत अच्छा सा ग्लो लेकर आता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है। आप चाहें तो वो टोनर और ग्लाइकोलिक एसिड जो है सिरम, वो दोनों ही परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का बजट इतना नहीं होता है, वो कहेंगे कि भाई एक चीज़ बता दीजिए। तो ये मैं सिरम दिखा रही हूँ आपको, इसके अंदर मेटल्स की बॉल लगी होती है, तो बहुत ठंडा ठंडा फील करती है ये मतलब आई के एरिया में। तो ये तीनों चीज़ें हैं, इनमें से मैं कहूँगी आपको, ये सिरम मैं दिखा रही हूँ खोल के, मैंने खोल के नहीं दिखाया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ग्लाइकोलिक एसिड आप यूज़ कर लो, बेस्ट रिजल्ट है उसके। लगाते के साथ ही इंस्टेंट आपकी स्किन जो है ब्राइटन अप हो जाती है, ग्लो नज़र आता है फेस पर। टोनर का भी कुछ ऐसा ही है कि लगाते ही स्किन हाइड्रेट और मॉइस्चराइज हो जाती है और एकदम फेस पर ग्लो आ जाता है। लेकिन अगर आप कहोगे कोई इन दोनों में से कोई एक बेस्ट बता दें, तो मैं कहूँगी ग्लाइकोलिक जो 1% है वो ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है।